ऑल इंडिया मजलिस इतहदुल मुस्लिम के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में आते हुए ऑल इंडिया मजलिस इतहदुल मुस्लिम के जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि वर्ष 2021 में किसानों के धान क्रय करने हेतु प्रशासन द्वारा नगर पंचायत भोजपुर जिला मुरादाबाद में एक क्रय केंद्र स्वीकृत किया था, जिसका संचालन PCF द्वारा किया जा रहा है। उक्त केंद्र को भोजपुर धर्मपुर से संचालित न करके भोजपुर से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव श्यामपुर हादीपुर में खुले धांधली करके बिचौलिए एवं दलालों को लाभ पहुंचाने के मकसद से किया जा रहा है। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से पार्टी ने अनुरोध किया है कि उक्त केंद्र को नगर पंचायत भोजपुर में ही संचालित करने का आदेश दिया जाए। उक्त केंद्र पर जिन किसानों का क्रय किया गया है उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए कि वास्तव में उनके खेतों में धान लगा है या नहीं, एवं साथ ही 31 दिसंबर 2021 तक जिन किसानों के नाम खरीद की सूची में केंद्र प्रभारी द्वारा लिखे गए हैं इनकी भी जांच करके दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। ज्ञापन देने वालों में वकील राशिद, साजिद सैफी, अशरफ अब्बासी, सलीम सलमानी, राजेश चौधरी, मोहम्मद असलम, सद्दाम, मोहम्मद यामीन, जुनेद, मोहम्मद अंसारी, हाजी आविद ताहिर आदि लोग मौजूद रहे। जी मेरा नाम मोहित फरगानी है, मोहित फरगानी एडवोकेट, मैं जिला अध्यक्ष हूँ AIMM मुरादाबाद का। आज जिला कलेक्टर का प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? आज जिला इकाई मुरादाबाद के द्वारा किसान के जो धान क्रय केंद्रों पर प्रशासन द्वारा जो लगे धान क्रय केंद्र थे, उन धान क्रय केंद्रों पर किसानों का क्या उत्पीड़न करके दलालों और बिचौलियों को जो फायदा पहुंचाया जा रहा है उसके संबंध में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। जगह जगह जो धान क्रय केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए हैं उस पर हो ही रहा है कि किसान जब पहुँचते तो उनसे बताया जाता है कि आज जो सूची है सूची में नाम नहीं है, आप 31 तारीख के बाद आइएगा। और जो किसान केंद्रों पर धान खरीदने का रेट है वो 1940 रुपये का है। जब वो वहाँ पहुँचता है और उसके धान नहीं खरीदे जाते तो वो मजबूरन आड़तों पर और दूसरे अन्य लोगों को 1100 से 1000 रुपये तक बेचने पर मजबूर होता है, जबकि सरकारी रेट 1940 रुपये का है। तो सीधा सीधा दलालों को और बिचौलियों को 700 रुपये से 900 रुपये का फायदा वो जो प्रभारी हैं, केंद्र प्रभारी, वो पहुंचा रहे हैं। तो इसी संबंध में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज ज्ञापन दे रही है कि किसानों की खरीद को तत्काल प्रभाव से चालू कराया जाए और बिचौलियों और दलालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और जो प्रभारी इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में हम लोग आज DM साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और उम्मीद है कि इस पर जो है कार्रवाई होगी। ठीक है।